हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल सीवी कॉन्सेप्ट। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ 20x30 का हाउस प्लान। दोस्तों, 20x30 मतलब करीबन 600 स्क्वायर फीट। तो 600 स्क्वायर फीट में दोस्तों किस तरह से हम लोग प्लानिंग कर सकते हैं, 600 स्क्वायर फीट का अगर हम घर बना रहे हैं तो उसमें दोस्तों अच्छे से अच्छा प्लानिंग कैसा हो सकता है, वो दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। उसी के साथ दोस्तों 20x30 का जो मैं प्लान है वो मैं बताने वाला हूँ, उसी के साथ मैं आपको उसका 3D मॉडल भी बना के बताऊंगा कि उसका जो 3D मॉडल है, अगर ये प्लान अगर बनता है, अगर इस प्लान के मुताबिक अगर घर बनता है तो दोस्तों बनने के बाद वो कैसा दिखेगा, वो भी दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। उससे पहले दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और दोस्तों बेल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन करिए, जिससे मेरे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो दोस्तों 20x30 का मैं आज प्लान बताऊंगा और उसका एलिवेशन और उसका जो 3D मॉडल है वो भी मैं आज आपको बताने वाला हूँ। अगर आपका जो घर है वो इस प्लान के हिसाब से बनता है तो कैसा लगेगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको प्लान डिटेल जो है वो मैं बता देता हूँ, उसके बाद स्टेप बाय स्टेप हम 3D मॉडल की तरफ चलेंगे, ठीक है। तो ये देखिए, ये है हमारा 20x30 का प्लान। 20 उसकी चौड़ाई है, 30 उसकी लंबाई है, ठीक है। तो 20x30 में मैंने यहाँ पे जो प्लानिंग हुआ है, देखिए 20x30 में एक कार पार्किंग भी है विद पोर्च, उसके बाद एक हॉल है, उसके बाद किचन है, स्टोर भी है, बेडरूम है, बार WC सेपरेट है, ठीक है। ध्यान दीजिए, बार WC सेपरेट है। 20x30 में दोस्तों इससे अच्छा प्लानिंग तो नहीं हो सकता, ठीक है। तो अब वन बाय वन हम डिटेल की तरफ चलेंगे। तो ये जो प्लान है, ठीक है, तो इसमें जो सबसे नीचे है, देखिए यहाँ पे पोर्च है, ठीक है। पोर्च मतलब पूरा जो पोर्शन है वो स्लैब होगा, स्लैब के नीचे यहाँ पे पार्किंग है, मतलब बारिश भी होगी तो भी हमारी जो पार्किंग में कोई भी व्हीकल या आप खड़े होंगे तो आप भीगोगे नहीं, क्योंकि ऊपर स्लैब आ जाएगा, ठीक है। तो ये करीबन 8x10 फीट का यहाँ पे पोर्च आ जाएगा, जिसके अंदर आप एक 4 व्हील भी पार्क हो सकती है, 2 व्हीकल भी पार्क हो सकते हैं, ठीक है। और फिर वहाँ से क्या होगा, यहाँ से हम उतरेंगे और यहाँ पे ऊपर चढ़ेंगे, ये 2 सीढ़ियाँ यहाँ पे बनी होगी 1-2, और उसके बाद हम लोग घर में एंटर करेंगे। घर में एंटर करने पर जरा सा थोड़ा सा वरांडा भी होगा, प्लस यहीं से दोस्तों ऊपर चढ़ने का रास्ता भी होगा, मतलब अगर आप ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे रेंट पर देना चाहे तो भी आ दे सकते हैं, क्योंकि सीढ़ी दोस्तों घर के बाहर बनाई है, ठीक है। और उसके बाद दोस्तों यहाँ से अंदर जाएंगे तो देखिए ये बड़ा सा हॉल है, ठीक है। तो ये देखिए, ये बड़ा सा हॉल आपको देखने को मिल जाएगा, करीबन 10.5x11 फीट का बड़ा सा हॉल है। उसमें 3 सोफा सेट, 3x3 के सोफा सेट, एक टीवी सेट आने के बाद भी दोस्तों देखिए कितनी जगह बची है। यहाँ पे आप छोटा सा पूजा रूम भी रख सकते हैं, यहाँ पे जगह अगर बची है तो, ठीक है। अब देखिए दो हॉल है, हॉल के सामने ही है, ठीक है। हॉल के सामने आप देखोगे तो ये यहाँ पर इस साइड में एक बाथरूम है, करीबन 4x6 फीट का यहाँ पे बड़ा सा बाथरूम है। 4x6 मतलब दोस्तों एक अच्छी साइज मानी जाती है, एवरेज साइज मानी जाती है बाथरूम के लिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए टॉयलेट जो बना है वो 3.5x3, मतलब कम से कम और अच्छी साइज जो टॉयलेट की होनी चाहिए वो यहाँ पे दी गई है, ठीक है। मतलब जिसके हिसाब से दोस्तों ये जो प्लानिंग है बहुत अच्छा है। उसके बाद अगर आप हॉल में से जाओगे तो हॉल में आपको किचन देखने को मिल जाएगा। किचन की साइज भी देखिए 8x9x6x3 की यहाँ पे किचन बनाई गई है, ठीक है। यहाँ से हम हॉल से अंदर जाएंगे तो यहाँ पे किचन आपको देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों एक वन मैन एक सिंगल फैमिली के लिए इतनी किचन की साइज बहुत हो गई, ठीक है। और ऊपर से दोस्तों यहाँ पे आपको एक स्टोर भी मिल जाता है जो करीबन 6x3x5x3 का है। देखिए दोस्तों दो ऑप्शन है, क्या तो आप किचन बड़ा करना चाहे तो आप स्टोर हटा दीजिए। स्टोर हटाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपका किचन बड़ा हो जाएगा, यहाँ पर किचन बन जाएगा और यहाँ पे आप डाइनिंग एरिया बना सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों आप इसका प्लानिंग कर सकते हो। स्टोर रखना चाहे भी रखना हो तो रख सकते हैं, नहीं रखना चाहे तो किचन को आप बड़ा कर सकते हो। और दोस्तों पीछे दोस्तों एक वेंटिलेशन डक दिया है, करीबन 2x5 फीट का यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे डक दिया है, जिससे दोस्तों अंदर की जो है, अंदर के जो रूम है उसमें वेंटिलेशन बने रहे। अब यहाँ से हम बाहर आएंगे तो हॉल में से और एक दरवाज़ा जाता है बेडरूम के लिए। बेडरूम भी देखिए, देखो 9x3x12 फीट का यहाँ पे बड़ा सा बेडरूम आपको मिल जाएगा। 20x30 फीट की एरिया में ही आपको इतनी सारी चीज़ें मिलने वाली है, ठीक है दोस्तों। तो करीबन दोस्तों 9x3x12 फीट का बड़ा सा बेडरूम आपको मिल जाएगा, उसके ऊपर से आपको वेंटिलेशन भी यहाँ पर मिल रहा है।
तो ये जो प्लान है दोस्तों, मेरे हिसाब से अगर 20x30 का आप घर बना रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छा प्लान है, इसको जरूर सिलेक्ट करिए। अब इसका मैं 3D मॉडल भी आपको बना के बता दूंगा, अगर इसका अगर हम 3D मॉडल बनाते हैं ठीक है तो ये कैसा लगने वाला है। तो 3D मॉडल बनाएंगे हम इसका कि इसका अगर हम 3D मॉडल हम तैयार करते हैं ठीक है तो ये कैसा लगेगा ठीक है, तो वो हम देख लेते हैं। ओके, तो इसका हम 3D मॉडल अब रेडी करने वाले हैं कि पूरा हम क्या करेंगे, उठाएंगे इसको ऊपर, इसकी जो वॉल है, और उसके बाद उसका जो जो भी डिटेलिंग होगी वो भी मैं करके बताऊंगा आपको ठीक है। तो इतना हो गया, अब इसके क्या करते हैं, एक 10 फीट की हाइट दे देते हैं, यहाँ से उठाएंगे 10 फीट। ओके, देखिए ये हमारा जो घर है ये उठ के रेडी हो गया ठीक है। तो देखिए अगर बनता है, अगर ये प्लान के हिसाब से बनेगा तो कुछ ऐसा बनेगा देखिए ठीक है। तो यहाँ से पार्किंग, ये स्टेयर, देखिए हॉल की साइज़ भी आपको बड़ी दिखाई देगी, किचन भी आपको बड़ा दिखेगा, स्टोर भी आपको बड़ा दिखेगा, कि बेडरूम भी है, बाथ WC सेपरेट है ठीक है। तो इस तरह से हमने 3D मॉडल का उसका एक खाका तैयार कर दिया। अब थोड़ा उसको और डेकोरेट करेंगे तो देखिए यहाँ पे सीढ़ी मैंने लगा दी है, इस साइड पे सीढ़ी इस तरह से ऊपर जाएगी और सीढ़ी जो है वो दरवाजे के ऊपर से निकल जाएगी, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ठीक है। तो और उसके बाद देखिए ये हॉल है, ये किचन है, और जैसे मैंने बताया कि आप ये जो दीवार है उसको निकाल भी सकते हैं और यहाँ पे बड़ा सा किचन ले सकते हैं, यहाँ पे डाइनिंग एरिया बना सकते हैं, या फिर आप कुछ और काम इसको ले सकते हैं ठीक है। बेडरूम भी आप देखिए बेड कहाँ रखा है और यहाँ पे कितनी साइज है, और यहाँ पे टॉयलेट, बाथ WC भी आप देख सकते हो, बाथ यहाँ पे है, ये WC है, मतलब दोनों की साइज़ दोस्तों डिसेंट है। अब इसको और थोड़ा सा अच्छा डेकोरेट करके बनाया है मैंने यहाँ पर ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको थोड़ी और डिटेल इसके बारे में बताऊंगा ठीक है। तो देखिए ये है डिटेल। ओके, जी फ्रंट में से कुछ ऐसा लगेगा, देखिए यहाँ पे कार रहेगी, फिर हम 2 सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ेंगे, एक मेन डोर रहेगा, एक विंडो रहेगी, और यहाँ से सीढ़ियों से हम क्या करेंगे ऊपर की तरफ निकलेंगे। उसके बाद अंदर आएंगे तो हमें देखिए यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, ड्राइंग रूम। तो ड्राइंग रूम देख लीजिए कि आराम से एक एल शेप सोफा सेट लगा है ठीक है, और यहाँ पे आपको TV सेट भी सेट हो गया, फिर भी बहुत जगह यहाँ पे बचती है ठीक है। जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे आप छोटा सा स्टूजा रूम भी लगा सकते हो ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ से अंदर जाओगे तो एक टॉयलेट आपको दिखेगा, आराम से वेस्टर्न टॉयलेट भी आ जाएगा और इंडियन टॉयलेट भी आ जाएगा। बाथरूम भी आप देख लीजिए फिटिंग के साथ, बड़ा सा बेड बाथरूम है। ओके, उसके बाद यहाँ पे हमारा बेडरूम भी देखिए, बेड पड़ने के बाद भी यहाँ पे कबोर्ड लग सकता है, मतलब बहुत बड़ा है। किचन में भी देखिए डिसेंट जगह है, किचन का सारी जो रिक्वायर्ड चीज़ें यहाँ पे आ जाएंगी, फिर भी जगह बची है, और यहाँ पे हमारा स्टोर रूम है, और तीनों के लिए यहाँ पे वेंटिलेशन है, किचन के लिए भी है, स्टोर रूम के लिए भी है, और यहाँ से देखिए ये बेडरूम के लिए भी वेंटिलेशन यहाँ से मिल जाता है ठीक है। तो दोस्तों ये कुल मिला के तो बहुत अच्छा प्लान माना जाएगा अगर आप इसके सिलेक्ट करते हो तो ठीक है। इसका जो एलिवेशन है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, अगर कुछ बनता है एलिवेशन तो कुछ इस हिसाब से बनेगा ठीक है। मेरा जो एलिवेशन है वो इतना अच्छा नहीं होता क्योंकि मैं आपको प्लान का जो 3D मॉडल है वो बताता हूँ, एलिवेशन नहीं बताता हूँ ठीक है। फिर भी दोस्तों इस तरह से आपका दिखेगा। अब इसके लास्ट में जो मैं करता हूँ हर एक वीडियो में, इसके अंदर हम चलेंगे अंदर कि अंदर जाके वो कैसा दिखेगा, तो वॉक इन करके देखते हैं ठीक है अंदर क्या है ठीक है। तो अंदर जाएंगे तो कैसा नज़र आएगा, तो हम दरवाजे से सीधी एंट्री करेंगे अंदर की तरफ और हम अंदर आ गए ठीक है। तो ये हम अंदर आ गए, अब मैं दरवाजे पे खड़ा होके देखूंगा कि मुझे अंदर का नज़ारा कैसा दिखाई देता है। तो देखिए अगर हम दरवाजे पे खड़े होते हैं तो हमें कुछ इस तरह से हमारा जो ड्राइंग रूम है वो नज़र आएगा ठीक है, और थोड़ा पास से भी जाएंगे तो भी हमें ये नज़ारा नज़र आ जाएगा ठीक है। और सामने से भी देख लेते हैं कि सामने से अगर हम खड़े हो जाए तो हमें क्या नज़ारा दिखता है। तो देखिए यहाँ पे दरवाज़ा है, यहाँ पे विंडो है ठीक है, यहाँ पे TV सेट आपको देखने को मिल जाएगी। इस कॉर्नर पर भी चले जाएंगे तो हमें क्या दिखेगा ठीक है, तो देखिए इस तरह से हमें सारी चीज़ें दिखाई देगी। अब यहाँ से चल के हम बाथरूम और WC की जो जगह है उसको भी देख लेते हैं। देखिए इस तरह से बाथरूम के अंदर भी हम चले जाएंगे, सीधे अंदर चले जाएंगे, अंदर 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 और अंदर आ गए हम। अब देखते हैं बाथरूम कितना बड़ा है, तो देखिए ये है हमारा बाथरूम ठीक है। अब ऊपर से देखेंगे कि ऊपर से हमारा जो बाथरूम है वो कैसा नज़र आता है, तो देखिए ये है बाथरूम।
ठीक है। तो बहुत बड़ा बाथरूम है, छोटा नहीं है, ठीक है। आराम से शावर हेड वो सारी चीज़ें यहाँ पे आ जाएगी। तो अब यहाँ से हम बाहर निकलते हैं और हम टॉयलेट की तरफ जाएंगे। तो टॉयलेट भी हमारा जो है हम देख लेते हैं कि टॉयलेट कैसा है। देखिए ये है WC, ओके टॉयलेट है। तो इसको भी हम ऊपर से देखेंगे कि हमें ऊपर से ये जो WC है कैसा नज़र आता है। देखिए आराम से कि इंसान बैठ सकता है। दूसरी सारी प्लम्बिंग की चीज़ें भी यहाँ पर लग सकती है, इसमें कोई प्रॉब्लम होने नहीं वाली है, ठीक है। तो अब यहाँ से हमने देख लिया ये WC है। अब बाहर निकलेंगे, यहाँ से बाहर जाएंगे, हाँ ठीक है बाहर आ गए। अब हम किचन की तरफ बढ़ेंगे। तो किचन में अगर हम यहाँ से खड़े होकर देखते हैं तो देखिए ये जगह इतनी बचेगी आपकी, ओके। उसके बाद किचन का भी आप एरिया देख सकते हो आराम से। यहाँ पे फर्नीचर भी लगे हुए हैं, किचन भी लगा हुआ है, सारी चीज़ें हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे हम खड़े हो तो सामने का नज़ारा क्या होगा। देखिए फ्रीजर भी यहाँ पे आप रख सकते हैं, फिर भी जगह बहुत बचती है, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग स्टोर रूम का जो है वो भी एरिया देख लेते हैं। तो स्टोर रूम भी बहुत बड़ा है, जैसे मैंने बताया कि किचन आप यहाँ पे ले सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया। अब हम बढ़ेंगे बेडरूम के अंदर। अब यहाँ से हमें सीधा बेडरूम के की होल थ्रू अंदर जाएंगे बेडरूम के अंदर। तो ये हम आ गए हैं बेडरूम में। अब बेडरूम में जाके हम देखते हैं कि हमारा जो बेडरूम है वो लगता कैसे है। तो देखिए ये हमारा बेडरूम है, ठीक है। बेड होने के बाद भी जगह तो बहुत बचती है यहाँ पे, ठीक है। और इस डायरेक्शन में अब यहाँ से भी देख लेते हैं जगह कितनी बची है और कैसा नज़र आता है। देखिए बेड है, बेड के अगल बगल में भी जगह है, दरवाज़ा भी आपको दिख रहा है, मतलब बहुत अच्छा स्पेस आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये था दोस्तों मेरा आज का वीडियो, 20x30 का जो घर है उसका, उसके बारे में और उसका एलिवेशन कुछ ऐसा नज़र